30 AI टूल्स बताता हूँ जो आपका काम 50% तक कम कर दे। कोई आवाज चेंज कर रहे हैं भाई, कोई 3D में वीडियो बना रहे हैं भाई, एक्चुअल रियल लाइफ वीडियो बन जा रही है AI से, या आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। ये वीडियो AI से बनी है। कोई स्कैम से बचा रहा है, कहीं मोदी जी गाने सुना रहे हैं, कुछ AI टूल एलोन मस्क से बात करवा रहे हैं। AI टेक ओवर कर रहा है और उसका टाइम आ चुका है। अभी जो आपको बताया बस वो ट्रेलर है भाई, जो एक्चुअल रियल लाइफ में चीजें हो सकती हैं वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल। सारे बता दो, लेट्स गो। ज्यादातर हम इंस्टाग्राम पर फोटो डालने के पहले कैप्शन चूज करने में घंटों लगा देते हैं, बट आपको इस AI वेबसाइट पे जाना है एंड आपकी फोटो अपलोड करनी है, यानी आपको ऑटोमेटिक कैप्शन दे देगा जो डायरेक्टली आप पोस्ट कर सकते हो। कैप्शन ऑप्शन वाला काम सॉल्व हो जाएगा, आपको दोस्त की फोटो बस प्यारी सी क्लिक करनी है। नेक्स्ट वाली AI टूल से आप किसी भी गाने का ऑपरेशन कर सकते हो। हमारे पास भी भाई कान्ये वेस्ट का एक डिवाइस था जिससे अलग से ऑपरेशन आया था, पर वो काफी महंगा था। आप AI से गाने के अलग अलग चीजों को अलग अलग कर सकते हो। ये मोजिस AI टूल है जो आपके किसी भी गाने से आवाज हटाना, ड्रम्स हटाना, बेस हटाना, कुछ भी आप कर सकते हो। इवन आपको जो शब्द है वो आपको हटा के अलग से बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना, वो भी काफी आराम से हो जाता है। जैसे अभी तक जो अभी बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे थे वो इसी ऐप से निकाला बट एक्चुअली ये बॉलीवुड गाना है जो ऐसा सुनाई देता है। एक मैं और एक तू है और हवा में जादू है, और म्यूजिक से आगे बढ़ लेते जीवन के ऊपर, लाइफ। हमने हमारी होली बुक जो है श्रीमद् भगवत गीता, उससे काफी सारी चीजें सीखी हैं। एंड बोला जाता है कि अगर हमको कोई भी मुश्किल हो उसका सॉल्यूशन श्रीमद् भगवत गीता में, बट अब एक AI बॉट आ गया जो कितनी भी डिफिकल्टी का आपका क्वेश्चन हो वो डायरेक्ट श्रीमद् भगवत गीता से आपको सॉल्यूशन निकाल के देगा आपके आंसर का। जैसे अगर आप पूछोगे भाई टेंशन में रहने का रीजन क्या है, तो आंसर आएगा आप टेंशन में इसलिए रहते हो क्योंकि आप एक्शंस के रिजल्ट्स की टेंशन ले रहे हो। भाई क्या प्यारी बोली बताइए। भाई गीता के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स का टेंशन नहीं लेना चाहिए एंड बस अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। मेरे को थोड़ा तो प्यारा सा लगा, मैंने तो शेयर करता हूँ। आंसर एकदम और काफी सही सा दिया। मैं पर्सनली इसको काफी ज्यादा यूज करने वाला, हमारी लाइफ में बहुत दिक्कत है। अगर मैं बोलूँ कि AI आपको थोड़े जवान बना सकता है, भाई हो रहा है ऐसा, मैं बिलू में बेसिकली होता क्या है, अब तो सारी चीजें ऑनलाइन ही है भाई, ऑनलाइन वीडियो है आप देख रहे हो हमारी, तो ऑनलाइन ही तो जवान बनना है। इसको काफी मूवीज में भी यूज करा जा रहा है एक्टर्स का यंगर वर्जन बनाने के लिए, एंड इसमें आप अपना फेस स्वैप भी कर सकते हो। अभी जैसे मैं आपको श्लोक लग रहा हूँ बट मैं हूँ नहीं यार। छोटा श्लोक बन चुका हूँ। वलमान भाई आपने भी काफी वीडियोस देखे हैं जिसमें मोदी जी गाना वाना गा रहे हैं। तो कल समझ लो आपको प्रपोजल आ जाएगी सेलिब्रिटी से, अविश्वास मत करना। दोस्तों के साथ चैट करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मैं मीम भेजने में मिलते नहीं। सुपर मीम AI पर जाके आप कोई भी टेक्स्ट डालोगे, ये उसका मीम ढूंढ के आपको दे देगा। ये AI ऑटोमेटिक पता लगा लेता भाई कौन से मीम ज्यादा फनी है, एंड ये सभी मीम्स ऑन द स्पॉट बनाता है एंड जिफ वाले मीम्स भी आपको डायरेक्टली दे देगा। तो भाई मीम वाली लाइफ काफी प्यारी होने, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, चिप्स खा लेते हैं थोड़े से। वैसे मेरे को चिप्स खाते का याद है कि आज मुझे बस 65 कैलोरीज खानी, ऐसा विंकी भाई ने बोला है। 65 कैलोरीज ही क्यों, 69 क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन। बेसिकली दिक्कत क्या है कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जिसमें खाली 65 ही कैलोरीज हो। भाई विंकी भाई इसका भी AI टूल बना दो या शेफ GPT। आपने ChatGPT सुना हो, ये ChatGPT आपके कैलोरीज के हिसाब से आपके लिए खाना बना देगा। बेसिकली ये आपको खाने की रेसिपी है लिख के दे देगा कि भाई ये चीजें डालेंगी एंड कितने कैलोरीज कितने प्रोटीन गेन होंगे, ये सब कुछ बता के दे देगा एंड आपके लिए भाई पूरी रेसिपी डन। अगर आप जिम जाते हो या फिर ऐसे भी खाने में कैलोरीज आप थोड़ा सा मेजर करते हो तो आपके लिए डेफिनेटली काफी ज्यादा यूजफुल। पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, वो हम सब ऑनलाइन काफी ज्यादा सामान खरीदते हैं बट ऑनलाइन शॉपिंग में मैक्सिमम दिक्कत ये है कि भाई फेक प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा है, दिखता कुछ और है एंड आता घर पे कुछ और है। बट ये AI टूल आपका काम काफी ज्यादा आसान कर देगा। बेसिकली वाइजली AI टूल है जिसके ऊपर आप किसी भी Amazon प्रोडक्ट का अगर लिंक डालोगे एंड उसके सभी रिव्यूज पढ़ के आपको एक क्लियर पिक्चर बता देगा, एक समराइज पैराग्राफ आपके सामने ला के रख देगा जिससे रियल कस्टमर के रिव्यूज आप एक बार में आराम से देख पाओगे, काफी अच्छे से आप उस प्रोडक्ट को जज कर पाओगे। जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि ऐसे AI टूल जो 50% आपका काम कर देंगे। पॉप AI टूल है जिसमें आप कोई भी PDF अपलोड करो
करोगे तो उस पीडीएफ का एक बॉट बना देगा एंड आप उस बॉट से कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे अगर आपने इसमें अपने हिस्ट्री के नोट्स डाले, किसी भी एक क्वेश्चन को पूछा नोट से, तो ये उसी का आंसर आपको लिख के दे देगा एंड आप किसी भी चैप्टर को समराइज कर पाओगे। बेसिकली ये आपके पीडीएफ को एक टीचर बना देगा। भाई मेरे स्कूल के टाइम में होता अलग सा ही मजा आया था, मेरे भाई की फर्स्ट रैंक आ रही होती। बट दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं हमारी उनकी तो फर्स्ट आई है यार। प्रोजेक्ट सेमिनार सारी चीज में फुल मार्क्स मिलने वाले, टीचर को कोई आइडिया नहीं लग पाएगा कैसे हो रहा है। नेक्स्ट वाला टूल मेरे को वैसे ही काफी तगड़ा था क्योंकि ये आपके वीडियो को 3D में कन्वर्ट कर देगा। लूमा लैब्स AI में आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट या वीडियो डालोगे, जैसे हमने इस चेयर का वीडियो डाल दिया, ये कुछ ही देर में उसको चेयर का 3D मॉडल बना देगा, जो रियल में बनाने में भाई काफी ज्यादा टाइम लगता है। डेफिनेटली काफी तगड़ा टूल है, स्पेशली जो लोग 3D वीडियो वाला काम करते हैं। 3D का एक्चुअल बनाने में कंप्यूटर लग जाते हैं, एक क्लिक में बना रहा है। देखो आप लोगों को गोवा जाने का शायद प्लान बन जाए शायद ना बने, बट ये वाला AI टूल आपका पूरा प्लान बना देगा गोवा वाला एक क्लिक के अंदर। इस AI वाले टूल में आप जहां भी ट्रैवल करो उसका आपको लोकेशन डालना है एंड कितने दिन का स्टे है वो डालोगे तो आपको पूरा ट्रिप प्लान करके दे देगा। तो भाई कितने भी AI टूल निकल जाए बट मान नहीं रहे भाई पापा। आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा AI जॉब ले लेगा। किसकी जॉब लेगा, कैसे जॉब लेगा, मैं बताता हूँ ना। देखो बेसिकली होगा क्या, ये हमारा नेक्स्ट AI टूल है, ये आपके एक्सेल का डेटा चुटकियों में एनालाइज कर लेता है एंड फिर उस डेटा के रिगार्डिंग आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये खुद से आपको एक ब्रीफ समरी देता है, चाहो तो आप डीपली एनालाइज भी करवा सकते हो। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, इन सारी चीजों के लोगों को पे करा जाता है, एक्सेल शीट्स को एनालाइज करने के लिए, सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए। ये पूरा काम एक क्लिक के अंदर कर दे रहा है, थोड़ा टाइम लेता है एनालाइज करने के अंदर बट ये घंटों काम कुछ सेकंड्स में कर देता है। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो AI जॉब्स लेगा उन लोगों की जिनको AI यूज करना नहीं आता, क्योंकि उन जो लोगों को जॉब मिलेगी जिनको आता है AI यूज करना। तो ऐसे होता है ना, कहावत है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आने वाले टाइम में हर सक्सेसफुल आदमी औरत के पीछे AI का हाथ होगा। या मैं सही बता रहा हूँ, AI डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है, आप आज से यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। हम अपने पर्सनली स्क्रिप्टिंग, थंबनेल्स, ओवरलेज, लेयर्स के काफी सारी चीजें हम AI से करते हैं। देखो मेरे को पता है AI नेक्स्ट लेवल चीजें कर रहा है और इसीलिए हम बहुत ही स्पेशल चीज बिल्ड करने वाले हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम आपको AI से नेक्स्ट लेवल चीजें करना सिखाएंगे। उसके लिए हमने सारी चीजें बिल्ड करी, तो भाई जल्दी आप तक पहुंचेगा, लेट्स गो। बट चलो भाई थोड़ा आगे बढ़ लिया जाए, हमारी गैलरी में ऑलमोस्ट 30% जगह हमारे स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, भरी रहती है भाई गैलरी। बड़ा आपको सीक्रेट चीज बताता हूँ, आपकी मेमोरी को बचाने के लिए ये ट्रिकल एक टूल है जो आपकी स्क्रीनशॉट्स को एनालाइज कर लेता है एंड उससे रिलेटेड फिर आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। मैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने नोट्स की फोटोज ले लेते हैं, ये सारा कुछ डेटा निकाल के दे देगा आपके स्क्रीनशॉट्स के बारे में। इस टूल के बाद स्क्रीनशॉट्स वाला फोल्डर काफी काम का लगता है, इससे पहले काम नहीं आ रहा था ज्यादा। किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस के लिए वेबसाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और ये वाला AI टूल 30 सेकंड में आपके लिए वेबसाइट बनाएगा। कोडिंग वोडिंग की कोई नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है एंड किसी को हायर करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो। इसमें आपको बिल्ट इन SEO मार्केटिंग टूल्स, रिव्यू ऑटोमेशन, बहुत सारी चीजें मिल जाती है, बट बेसिकली एक पूरी वेबसाइट बनाने का काम ये वाला AI टूल ड्यूरेबल AI कर देता है। काफी सारे लोग हैं जो अपना पोर्टफोलियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं, वो इसका डेफिनेटली बेस्ट यूज सकते हैं। अब राशन की लिस्ट से लेके दोस्त को कहां घूमने लेके जाना, सब कुछ AI करेगा। नेक्स्ट है AI टूल समरिस्ट, आपकी 100 पेज की बुक को ये एक पेज का बना देगा। कितनी बार आप लोगों ने बुक पढ़ने की कोशिश करी होगी, बीच बीच में छूट जाती है, बट इसके लिए आप ये टूल प्रेफर कर सकते हो जो कि आपके बुक को समराइज कर देगा और आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चल जाएंगी बिना बुक को पढ़े हुए। तो आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़कर भी एग्जाम में आराम से पास हो सकते हैं। आप लोगों उस हमारे टाइम क्यों नहीं था, मेरे को थोड़ा सा एक टाइम था जब हमारी दादी नानी हमको काफी सारी कहानियां सुनाई करती थी, बट अब AI कहानी बनाएगा भी एंड आप लोगों को सुनाएगा भी। डंजन AI टूल के साथ मिलकर कहानियां आप इससे डायरेक्टली बना सकते हो। ये इस टूल में आपको काफी सारी स्टोरीज के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कोई डरावनी होगी, कोई लव स्टोरी होगी एंड बहुत सारी कहानियां। एंड स्टोरी सेलेक्ट करने पे अपनी और अपने फ्रेंड्स की आप डिटेल डाल के एक स्टोरी बना सकते हो। ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, पहले लगता था AI बस टेक्स्ट, इमेजेस या छोटी छोटी चीजें कर सकता है, बट अब जमाना आ गया भाई, AI एडवांस हो चुके हैं। 3D वाले टूल से आपको एक प्रॉपर 3D मॉडल बना सकते हो। जो लोग डेवलपर हैं वो अपने लिए 3D में चीजें बना सकते हैं भाई, जो कि एक्चुअली गेम और मूवी में भी यूज करा जा रहा है। हमने ऐसे ही एक और प्रो लेवल 3D AI टूल बताया था जो आप इस वाली वीडियो में देख सकते हो। अब आप टेक्स्ट डाल के वीडियो बना सकते हो, बट पिक्सीवर्स, रनवे ML काफी तगड़ा AI टूल है। रनवे ML मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसमें आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो एंड किसी भी इमेज को वीडियो में जनरेट कर सकते हो।
सकते हो भाई. म्यूजिक बनाना बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, बहुत ही मुश्किल वाला काम है. बट एक मैं आपको AI टूल बना रहा हूँ भाई, गाना बजाना सब सुनो AI करके AI टूल है. आप बस एक कमांड डाल के म्यूजिक बना सकते हो. नॉर्मली गाना लिखना पहले आपको लिरिक्स सीखनी है, ये करना है, उस चीज कुछ जरूरत नहीं भाई. देखो मैं सीक्रेट बता दूँ, बड़े स्टूडियोज, हैवी सेटअप्स, इंस्ट्रूमेंट, सुरीला गाना, कुछ कुछ चीज की जरूरत. तो भाई मैं अपना पहला गाना आपको सुना. मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर. आप इस टूल से अपनी पसंद का गाना बना सकते हो बिना सुरीली आवाज निकाले. भाई की बात थोड़ी भारी थी. आपको बस अपने गाने का टॉपिक इसको बताना है, एंड साथ में गाने का आप अगर थोड़ा मूड बता दो, इंस्ट्रूमेंट्स बता दो, भाई गाना आपके लिए डायरेक्टली रेडी हो जाएगा. लिरिक्स ये म्यूजिक खुद बना लेता है सिर्फ 3 मिनट के अंदर. एक AI टूल है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था. इसमें आप किसी की भी आवाज निकाल सकते हो. जैसे अभी आपको जस्टिन बीबर की आवाज आ रही है. फाइन, अब मित्रों आपको मैं मोदी जी की आवाज में बात कर रहा हूँ. भाइयों और मेरी बहनों, एक बैनर को जरूर सब्सक्राइब करें. कैसे जस्टिन बीबर बोल रहे हैं? मैक्सिमम टाइम जब भी ब्राउजर यूज कर रहे होते हैं, मतलब नेटवर्क चला रहे, हम क्रोम यूज करते हैं. एंड क्रोम की एक्सटेंशन प्ले स्टोर की एप्स की तरह ही थोड़े थोड़े होते हैं. कुछ कुछ एक्सटेंशन है जो AI वाले, जैसे AIPRM फॉर ChatGPT. ChatGPT में सही प्रॉम्प्ट लिखना थोड़ा सा कभी कभार टफ हो जाता है एंड चैलेंजिंग भी आता है. इसमें आपको 3600 प्रॉम्प्ट्स के टेम्पलेट मिल जाएंगे जो आप यूज कर सकते हो अपने काम को काफी ज्यादा आसान बनाने के लिए. नेक्स्ट है वेब ChatGPT. ये एक्सटेंशन आपको गूगल के रिजल्ट्स के साथ साथ ChatGPT का रिजल्ट भी दिखा देगा, तो आपको दोनों को कंपेयर कर सकते हो साथ साथ में, जिसमें आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन सर्च के और ChatGPT के दोनों ही साथ साथ आ जाएगी. ChatGPT फॉर गूगल, जो आप कोई भी गूगल सर्च करते हो तो काफी कुछ और भी आ जाता है उसमें से, काम की चीजें निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये आपके लिए गूगल की इन्फॉर्मेशन को समराइज करके एक ही पेज पर बता देगा. नेक्स्ट वाला, ये वाला बहुत प्यारा है. ChatGPT में पहले इंटरनेट का एक्सेस था वो था, बट अब उसको पता नहीं है नई जो चीज हो रही. इससे आप ChatGPT 3.5 को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो. इस वाले एक्सटेंशन में आपको 12 डिफरेंट प्लगइन्स मिल जाते हैं जिनको आप काफी सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो. सबकी भाई मेरी तरह नेक्स्ट लेवल ड्रॉइंग होती, बट ऑटो ड्रॉ AI से आप बेसिक ड्रॉइंग बनाकर उसको एक अच्छे से आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. ये डिटेक्ट कर लेगा कि आप क्या बनाना चाहते हो एंड उसकी क्लियर ड्रॉइंग बना के दे देगा. आज आपका भाई आपको इलोन मस्क से बात करवा के देगा, मैं दिखाता हूँ कैसे. character.ai से आप किसी बड़े लोगों से चैट कर सकते हो एंड कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. इस वेबसाइट में काफी इंपॉर्टेंट लोग हैं जैसे एलोन मस्क, तो एलोन मस्क से पूछ लेते हैं, क्या आप इंस्टाग्राम खरीदेंगे? टेस्ला वो पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं? ये मेरा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड मार्स में जलेबी फाफड़ा मिलेगा? मैं बोल सकता हूँ मेरी बातचीत एलोन मस्क. जब सब लोग भाई AI के पीछे हाथ धो के बड़े हैं, तो भाई गूगल भैया आपने क्यों पीछे रहे? अभी हम वीडियो एडिट कर रहे थे, गूगल का लेटेस्ट अपडेट आया जहाँ पे गूगल से भी आप AI इमेजेस बना सकते हो और वो भी फ्री में. अभी तक कोई भी अच्छा फ्री सॉफ्टवेयर नहीं था. आपको bard.google.com पर जाना है, वहां पर आप टाइप करोगे, कोई भी इमेजेस ये जनरेट कर सकता है. अभी मैं ऑनेस्टली बताऊं, Midjourney है वो इतना बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल नहीं है, बट गूगल के पास क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है, डेफिनेटली भाई नेक्स्ट लेवल बन सकता है. अब आप अपने ईमेल्स को पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. जेलीबॉड एक ऐसा AI है जो हर दिन आपकी ईमेल्स को पढ़ता है, उनको समराइज करता है एंड आपको एक 5 मिनट का पॉडकास्ट बना के दे देगा. मतलब सुबह उठते ही आप पॉडकास्ट सुन सकते हो भाई, आपके सारे ईमेल, सारे मैसेजेस आपको एक ही बार में बता देगा. यानी मैक्सिमम उन लोगों के लिए काम आएगा जो न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब करके रखते हैं. भाई आपके सारे जितने न्यूज व्यूज वाला आ रहा है, एक बार पूरी खिचड़ी बन के आपको परोसी जाएगी. अब दोस्तों AI आपको बॉडी बना के देगा. सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. ये बेसिकली एक वर्चुअल ट्रेनर है जो आपको बताएगा कि भाई ये वाली एक्सरसाइज करो आपकी बॉडी के हिसाब से, ये वाली चेक कर लिए, कर लिया आज, ये वाली कसरत करें वो. बट तब भी मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी. AI आके एक्सरसाइज कर भी देता ना हमारे लिए, तो मजा आता. हम सब आधे टाइम जब जिम जाते हैं गलत गलत एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, ये सारी चीजें आपको बताएगा. tidalflow.health करके एक AI टूल है जो आपके पर्सनल ट्रेनर की तरह एक्ट करता है. आपको अपनी सारी डिटेल्स जैसे हाइट, वेट, एज, बॉडी टाइप, ये सारी चीजें ऐड करनी है, उसके हिसाब से आपको वीक बाय वीक का एक कैलेंडर बना के दे देगा. ट्रेनर वाला बहाना भी नहीं रोक रहा भाई अब जिम जाने. हमने बहुत सारे AI टूल्स बताए, बट काफी सारी चीजें AI लिख के देता है या फिर AI क्रिएट करता है, वो पता चल जाती है हमें AI ने बनाई. बट नेक्स्ट वाला टूल इसी के लिए
लिए काम कर रहा था, writehuman.ai करके टूल है। इस पे आपको जाना है एंड बस अपना एआई वाले जो भी आपने सेंटेंस है या जो भी चीजें लिख रखी है उसको आपको यहाँ पे लिखना है एंड ये उसको इंसानों की तरह लिख देगा, ह्यूमनाइज कर देगा एंड ये काम करता है। एआई से आपको होमवर्क करवाना है, लेटर करवाना है, जो भी सारी चीजें डन। दोस्तों आई होप आपको पसंद आए सारे एआई टूल्स, हमने सब कुछ माल मसाला इकट्ठा कर लिया था। अगर आपको पसंद आए लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।